हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आई एज़ प्रॉमिस्ड, आज मैं मेरा किचन एरिया और बेडरूम का व्लॉग लेके आई हूँ, किचन टूर और बेडरूम का टूर का व्लॉग। और आपने आई होप आपने सब ने मेरा ये लिविंग एरिया का टूर देखा होगा। अब किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ आके देख लो, और मुझे पता आपने देखा ही होगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप जिसने नहीं देखा है। और मुझे पता है आप लोग ने देखा है क्योंकि आपने मुझे ढेर सारा प्यार उस पर दिया है, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना। और प्लीज़ मेरे चैनल, जो जो लोग नए आए हैं वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और जो लोग नए पुराने व्यूवर्स हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो। तो आज मैं मेरा लिविंग सॉरी किचन एरिया का टूर देने वाली हूँ और बेडरूम का। तो ये सब मैंने बहुत मिनिमल रखा है कि ये, जैसे आप जानते हो, ये मेरा रेंटेड हाउस है। तो मेरे को किचन कैबिनेट्स और सब कुछ नहीं मिला था। मैंने अपने हिसाब से जो ऑर्गेनाइज़ किया है, जो क्लटर फ्री रखा है मैंने, जैसे मैं क्लटर फ्री रख सकती थी वैसे मैंने क्लटर फ्री रखा है। मेरा किचन और मेरा बेडरूम बहुत मिनिमल रखा है, ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, कुछ सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रखा है। आई होप आपको सबको पसंद आएगा। और कुछ सजेशंस होंगे तो आप मुझे दो दो, और अगर मेरा कुछ अच्छा लगे आपको डेकोरेशन और कुछ तो मुझे बताना, आपको भी यूज़ होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। तो ये रहा हमारा किचन। हमारे पैसेज के लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारा किचन है, और किचन से एंटर करते ही ये है मेरा स्टैंड, मेरे बर्तनों का स्टैंड है ये, और ये सारे बर्तन मेरे इस पे रहते हैं। और जो 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 ज़्यादा यूज़ नहीं होते वो मैं ऐसे ऊपर रखती हूँ, और बाकी के सब मैं यहाँ पे ऐसे रखती हूँ, प्लेट्स कप्स एंड ऑल। और उसके नीचे ही है मेरा चूल्हा, 3 बर्नर वाला चूल्हा। और फिर मैंने यहाँ पे एक इसमें मैंने नाइफ्स और छुरी और कैंची और सब रखा है, और एक इसमें मैंने बड़े बड़े स्पून्स रखे हैं। और यहाँ पे ये स्टैंड है जहाँ पे मैंने सब स्टोर क्रेन्स और दाल मसाला सब इसमें मैंने रखा है। और ये स्टैंड है जो खाना बर्तन रखने का, गरम बर्तन रहता ना वो रखने का, वो 3 स्टैंड है मेरे पास। और ट्रे वो पीछे है। और इस बास्केट में मेरा विनेगर, फॉइल पेपर, टिश्यू पेपर, हनी, वो सब इसमें रहता है। और बाकी सब जो भी फूड ग्रेन्स होते हैं मैं ये स्टैंड पे रखती हूँ, ये सब मसाला और सब। इसका मैं सेपरेट व्लॉग बनाऊँगी किचन स्टोरेज का, ग्रेन स्टोरेज का, यहाँ पे कॉफ़ी, सॉल्ट, शुगर, वो सब। और फिर यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे मेरा प्यूरिफायर है, और इसके नीचे मैं कटिंग बोर्ड रखती हूँ। और यहाँ पे मेरा बेसिन है, और यहाँ पे प्यूरीफायर के बाजू में यहाँ पे मेरा कढ़ाई, फ्राइंग पैन और जाली और स्ट्रेनर और सब यहाँ पे मैंने टंगा के रखा है। और यहाँ पे ही नीचे यहाँ पे मेरा जो मैं माइक्रोवेव है, ये माइक्रोवेव है, और उसके ऊपर मेरा ये मेरे जो रेसिपी बनाती हूँ उसके लिए सब सामान लगता है वो। और वो छोटा बास्केट है, उसमें हैंड ग्लव्स है और सब ये मेरे माइक्रोवेव का। और इस माइक्रोवेव के बाजू में मेरा ये बड़ा सा फ्रिज है, उसके ऊपर में कुछ एक दो डब्बा रखा है ऐसे ही। और यहाँ पे बड़ा सा मेरा फ्रिज है। और फिर इस उसके नीचे आते हैं माइक्रोवेव के, जो नीचे ये है स्पेस है, यहाँ पे मैंने ये स्टोरेज है, ये सब डब्बा बिब्बा इसमें रहता है, ये जो यूज़ ये डब्बे है, स्टोरेज डब्बे ये इसमें रहते हैं। और इसमें मेरा
जो भी राशन का सामान है एक्स्ट्रा सामान मैं इसमें रखती हूँ। और ये बेसिन एरिया के नीचे, बेसिन के नीचे मेरा ये सब स्टोरेज, सब टॉयलेट्रीज रखा है, जैसे वॉशिंग पाउडर और साबुन, हैंड वॉश, हार्पिक, विम लिक्विड, ये सब मैंने यहाँ पे रखा है। ये जो मैंने स्टोरेज करके रखा है सब मेरे डब्बे, मसाले और सब डाल भील के, इसके नीचे ये है, ये भी मेरा स्टोरेज का है, सब आटा, राइस, आटा, चावल, ये थोड़े से बिस्किट्स, ओपन स्नैक्स है, वो गरम मसाले का डब्बा है, खड़ा गरम मसाला, और ये कांदा बटाटे का स्टैंड है। उसके बाजू में ये तेल का, ये मेरा फूड प्रोसेसर है, और वो दो डब्बे हैं उसमें मेरे डोसा बनाने का चावल है, ये सिलेंडर है। और ये जो एरिया है वो खाली ही रहता है, इसमें ये मेरा बास्केट है जो मैं बर्तन धो के रखती हूँ। और ये किचन मेरा ऐसा दिखता है पूरा, ये फ्रिज, और ये स्टैंड, और ये पूरा मेरा किचन। ऐसा दिखता है, और किचन को लग के है ये यूटिलिटी एरिया, ये छोटा सा यूटिलिटी एरिया दिया है उन लोगों ने, इतना स्पेस है, यहाँ पे भी ऐसा स्पेस है, वहाँ पे मैंने कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो लगती नहीं है हमेशा वो रखा है, ये यहाँ पे ऐसे यूटिलिटी एरिया है ऐसे। ये किचन के सामने ही ये है हमारा स्टोर एरिया, ये जो हम यहाँ पे सब सामान स्टोर कर सकते हैं, ये हमारा स्टोर एरिया है। और यहाँ पे भी स्टोर एरिया है, यहाँ पे मैंने मेरा कवर्ड रखा, अलमारी रखा है, ये पे भी स्टोर एरिया है, और ऊपर मेरा कॉकरी है, सब सामान है, एक्स्ट्रा सामान, सब बर्तन और सब। और उस स्टोर एरिया के बाजू में ये बाथरूम है हमारा, बाथरूम टॉयलेट एक ही में है, और उसके बाजू में ये मेरा बेडरूम है। और बेडरूम में एंटर करते ही ये हमारा बेड है बड़ा सा, और ये बेड में स्टोरेज भी बहुत है, मेरा बहुत सारा स्टोरेज इस बेड में है, ये हमारा बेड है, और उसके ऊपर हमारा विंडो है, ये मैं विंडो बंद ही रखती हूँ मोस्टली, ये मैं खोलती नहीं, मोस्टली बंद ही रहता है। उसके बाजू में मेरा वार्डरोब है, ये तीन साइड का वार्डरोब है, तीन डोर का ये हमारा वार्डरोब है, और उसके ऊपर मैंने कुछ सामान रखा है स्टोरेज का, और मैंने कुछ हैंगर रखा, हैंग करने के लिए कुछ लगाया वहाँ पे, हैंगर जो हमारा टॉवल हैंग होता है उसके नीचे मैं यहाँ पे चेयर लगाती हूँ। और उसके बाजू में ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, ये ड्रेसिंग टेबल है यहाँ पे मेरा, और यहाँ पे मैंने मेरे भगवान का सब स्टैचूज रखे हैं, और यहाँ पे मेरा बाइबल भी है, यहाँ पे बास्केट है छोटा सा, मैंने कुछ और रिमोट और बाम विम रखा है, और ये गणपति है, मुझे ये गणपति मैं गणपति पुले गई थी तभी मिला था, तो मुझे एक पंडित ने दिया था तो मैंने रख लिया, और ये मेरे भगवान, और ये स्विच बोर्ड है, और यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है, और ये एसी, यहाँ पे एक छोटा सा विंडो है, वो विंडो पाइप एरिया जो होता है ना बिल्डिंग का, उस उधर खुलता है, तो मेरे को कुछ मिला नहीं, तो मैंने ये जल्दी से न्यूज़पेपर से ही बंद किया। और ये हमारा टॉयलेट बाथरूम है, बेडरूम अटैच टॉयलेट बाथरूम है, पर इसमें मैंने मेरे वॉशिंग मशीन रखा है, इसमें मैं मेरे लॉन्ड्री करती हूँ, वॉशिंग मशीन रखा है,
ये हमारा बेड, तो ये पूरा हमारा बेडरूम है, बड़ा सा है, अच्छा है। ये हमारा बेडरूम और मेरे मास्टर बेडरूम के बाजू में ही टॉयलेट के सामने ये मेरा छोटा बेडरूम है। ये छोटे से भी छोटा है, ये पूरा फुल बेडरूम नहीं है, 1.5 BHK है ये पूरा एरिया। तो ये ऐसे गेस्ट के लिए ही रखा है हम लोग ने। मेरे ससुराल वाले आते हैं, मेरे मदर इन लॉ आती है, तभी यहाँ पे हम उन लोग रहते हैं, एयर बेडरूम यूज़ करते हैं, वरना ये ऐसे ही बंद रहता है। इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। इसका जो बेडिंग है मैं ऐसे ही पैक करके रखती हूँ, सिर्फ एक वॉच है, अगर कभी हस्बैंड थके हुए रहेंगे तो यहाँ पे सोते हैं, वरना हम लोग यूज़ नहीं करते। ये मोस्टली बेडरूम बंद ही रहता है। तो ये रहा मेरा किचन और मेरा बेडरूम का टूर। आई होप आपको मेरा किचन और बेडरूम का टूर पसंद आया होगा। अब मैं जानती हूँ आपको पसंद आया होगा, मेरे को मेरे पूरे व्यूवर्स पे और यूट्यूब फैमिली पे पूरा भरोसा है। आप मुझे ऐसे ही प्यार दोगे इस वीडियो पे भी, और अगर कुछ पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना और मेरे यह चैनल पे सब्सक्राइब करना। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज लाइक दैट एंड गिव मी लॉट्स ऑफ लव। बाय, टेक केयर।